नमस्कार दोस्तों, बंसीलाल बीएलडीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? लघु किसान मजदूर की स्थिति बद से बदतर जैसी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? कुछ भी बदला नहीं गांव में, वही पुराना ढर्रा है। कुछ भी बदला नहीं गांव में, वही पुराना ढर्रा है। धूल भरा कच्चा गलियारा, पगडंडी और दर्रा है। सरकारी ठेकी पर लगती शाम को भीड़ अजर्रा है। दूध दही से महंगा बिकता जहाँ पे देसी ठर्रा है। दूध दही से महंगा बिकता जहाँ पे देसी ठर्रा है। तो कोई नशेड़ी पीकर करता सबकी ऐसी तैसी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? जाड़ा गर्मी बरखा हर मौसम में जान खपाते हैं। जाड़ा गर्मी बरखा हर मौसम में जान खपाते हैं। खून पसीना बहा बहा कर अपनी फसल उगाते हैं। खून पसीना बहा बहा कर अपनी फसल उगाते हैं। रात रात भर जाग जाग कर ठंड में खेत बचाते हैं। और पलक झपकते खुले सार सारी फसलें चर जाते हैं। पलक झपकते खुले सार सारी फसलें चर जाते हैं। और सरकारी कागज पर ही गौशाला बंद मवेशी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? बिजली तो कम आती, बिल चार गुना देना पड़ता। बिजली तो कम आती है, बिल चार गुना देना पड़ता। नहीं जमा कर पाए तो फिर ब्याज निरंतर है बढ़ता। नहीं जमा कर पाए तो फिर ब्याज निरंतर है बढ़ता। मीटर रीडर बिंद समझ के नई कहानी है गढ़ता। और कटिया चोरी केस लगा कर दोष हमारे सर मढ़ता। कटिया चोरी केस लगा कर दोष हमारे सर मढ़ता। और कोर्ट कचहरी का चक्कर होती पेशी दर पेशी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? थाने से यदि कभी सिपाही सांझ सकारे आते हैं। थाने से यदि कभी सिपाही सांझ सकारे आते हैं। आदर सहित उन्हें बैठा कर सादर चाय पिलाते हैं। आधा पेट स्वयं खाकर उनको भर पेट खिलाते हैं। लेखपाल लौकी कदुआ भी तोड़वा कर ले जाते हैं। लेखपाल लौकी कदुआ भी तोड़वा कर ले जाते हैं। सभी पूछते भैंस पली क्या तेरे घर घी देसी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? कॉलोनी सरकार दे रही लेकिन सबको खलती है। कॉलोनी सरकार दे रही लेकिन सबको खलती। याची 2000 होते पर केवल 2 को मिलती है। कमजोरों की कोई सुने ना, धनवानों की चलती है। आंगनबाड़ी की दरिया पर भैंस प्रधान की पलती है। आंगनबाड़ी की दरिया पर भैंस प्रधान की पलती है। राशन कोटे की दुकान पर घटतौली कम बेसी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? कि जब तक गेहूं धान मटर रहते किसान के घर में, जब तक गेहूं धान मटर रहते किसान के घर में, आलू सरसों दाल सभी बिकते हैं सस्ती दर में। और जब खरीद कर भर लेते गोदामों में व्यापारी, जब खरीद कर भर लेते गोदामों में व्यापारी, 20 गुने पर इन्हें बेचते करके चोर बाजारी। और दिन दुगनी और रात चौगुनी इनकी बड़े करेंसी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी है? गन्ना मिल में डाल रहे लेकिन भुगतान न होते हैं। गन्ना मिल में डाल रहे लेकिन भुगतान न होते हैं। अपने पैसों की खातिर सरकार के आगे रोते हैं। अपने पैसों की खातिर सरकार के आगे रोते हैं। पूंजीपतियों के कुत्ते मखमल गद्दों पर सोते हैं। मेहनत कश मजदूर के बच्चे भूखे बोझा ढोते हैं। कहने को सरकार हमारी कितनी बड़ी ही तैसी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी? कि खाद बीज डीजल बिजली पर महंगाई की मार पड़े। खाद बीज डीजल बिजली पर महंगाई की मार पड़े। 10,000 की फसल कर्ज के देना 20,000 पड़े। इन खेतिहर मजदूरों पर लाखों की चढ़ी उधारी है। क्या खाए क्या कर्ज चुकाए, लाइलाज बीमारी है। और लिखने वाले ने लिख दी अपनी किस्मत कुछ ऐसी है, क्या बतलाएं बाबू साहेब, गांव की हालत कैसी?